उनका कहना है कि आशु लोग जो है टीटीसी का अंदर में सब कॉन्ट्रेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, इसके लिए टीटीसी का अगेंस्ट में कुछ काम कुछ आवाज नहीं उतर रहे, इसमें ऐसा कुछ चाहिए। हाँ, तो बिना क्रेशर का ये कंपनी वाला और आपने कैसे एश्योरेंस दिया कि फरवरी तक बनेगा? तारीख पे तारीख कब तक टाइम और दे, अगर नहीं करता है तो हम इनको टर्मिनेट करने का मैंने प्रक्रिया शुरू कर। हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग तारीख पे तारीख दे रहे हैं, एक सनी देओल का डायलॉग था तारीख पे तारीख, इस तरह आपका कंपनी टीटीसी, क्योंकि सर देखिए आलो आलो वाला है, आलो वासी जो है टीटीसी कंपनी से काफ़ी उम्मीदें रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। दोस्तों, आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ फिर से लेके आया है पैकेज 9 को। जी हाँ, हाईवे पैकेज 9 को लेके फिर से आया है। जैसे कि आप सबको पता है, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ 19 जनवरी 2022 को हाईवे पैकेज 9 में यहाँ पक्तू तिनाली से लेके बोकेन मार्केट के बीच जब GSB बिछा रहे थे, उसमें हमने ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाया था। जी हाँ, उसमें यहाँ के इंचार्ज जो है मिस्टर सुब्रो, ये मीडिया के सामने वादा किया था कि फरवरी तक ये जो है सिपू ब्रिज से लेके हिसाम ब्रिज तक टाउन पोर्शन को कंप्लीट करने के उन्होंने वादा किया था। और हमने हाईवे PWD के इंजीनियर गमर पादू साहब से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा जिस प्रकार से ये काम चल रहा है अगर देखा जाएगा तो सही में उनका भी मानना था कि फरवरी तक बनेगा। और हमने मोर्थ के मेटेरियल इंजीनियर से भी बात किया था, लेकिन आज मार्च के 22 है, लेकिन अभी तक यहाँ सिपू ब्रिज से लेकर हिसाम ब्रिज तक यहाँ ब्लैक टॉपिंग का काम आरंभ ही नहीं किया है। जी हाँ, शुरू ही नहीं किया है। मैं जानना चाहूँगा क्यों इस तरह डिले हो रहा है। नहीं, फरवरी तक ख़त्म होने का बात था, लेकिन आज मार्च ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक ये काम शुरू ही नहीं हुआ है। तो हम खबर मिला है यहाँ के जितने भी इंचार्ज इंजीनियर है, दो के साइड में है, मैं दो के में भी जाके मिलवाने की कोशिश करेगा। और आप न्यूज़ में बने रहेगा, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ सिपू ब्रिज से लेके हिसाम ब्रिज तक काम कैसे चल रहा है। थैंक यू। आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ मिस्टर। हमने देखा है आपका टीम काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी पीछा किया है हाईवे को लेके। आपने शुरू से ही हाईवे को जोर लगाया है, जिसके कारण एक अच्छा कंपनी लाने का आप बहुत कोशिश किया है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है, जनवरी को ये TTC वालों ने वादा किया था मीडिया में, उन्होंने कहा था कि हिसम से लेके सिपू ब्रिज तक जो है सड़क को जो है पूरा कंप्लीट कर देगा, फिनिश कर देगा। लेकिन आज मार्च 22 है, मार्च ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक कोई ब्लैक टॉपिंग का कोई नामो निशान नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? जी थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। तो यहाँ में हम लोग जो है, आपने अभी कहा है कि आगे से डे वन से हम लोग हाईवे को लेकर बहुत कंसर्न में था और बहुत सारा मूवमेंट भी किया। तो इसमें ये कंपनी ने उन लोग लिखित में तो नहीं दिया है हम लोग को भी, लेकिन थ्रू मीडिया में आपका ही चैनल के माध्यम पे हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि फरवरी को जैसे भी ब्लैक टॉपिंग करके आलो को एक न्यू ईयर गिफ्ट देगा। तो लेकिन अभी तक जहाँ तक देखा गया है तो कुछ ऐसे ब्लैक टॉपिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जितना काम है, कटिंग जितना करना है और GSP बिछाना है, बिछा रहा है। तो अभी कंपनी से हमको यही बोलना है कि आप जो कमिटमेंट किया है उसका अभी तक क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको जैसे भी एक्सप्लेन कर दो ऐसे एज ए ट्रांसपेरेंसी हिसाब से। और जो किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग को भी बोलकर सॉल्व करने देना है और पब्लिक को भी बता के इसको करना है, क्योंकि हाईवे को लेकर आलो पब्लिक इतना साल से रुका हुआ है, 7-8 साल से। तो अभी इसमें फिर गंदगोल होगा, ऐसे कुछ होगा तो फिर बाद में पब्लिक ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो हम लोग को भी मजबूर होगा, फिर से हम लोग को हाईवे कंपनी का अगेंस्ट में मूवमेंट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो मिस्टर अत, सोशल मीडिया में ऐसे भी एलिगेशन चल रहे हैं आपका आशु आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन को लेके। कुछ कुछ लोगों का कहना है, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद भी देखा है शायद, लीडर है, फॉर्मर यूथ लीडर है, उनका कहना है कि आशु लोग जो है TTC का अंदर में सब कॉन्ट्रेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, इसके लिए TTC का अगेंस्ट में कुछ काम कुछ आवाज़ नहीं उतर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं जी, नहीं, इसमें देखिए हम लोग आवाज़ नहीं उतर रहे ऐसे तो नहीं है। बार बार हम लोग ने वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी है उन लोग से हम लोग बहुत सारा बात कर रहे हैं, तो फिर भी हम लोग हर चीज़ को सोशल मीडिया में बताना, सोशल मीडिया में हम लोग जाकर हर चीज़ को अपडेट करना, ये हम लोग मायने नहीं रखता है। और हमेशा इसको ऐसे करेगा तो पब्लिक बोरिंग भी होता है। तो लेकिन हम लोग जो अपना काम कर सकता है, जैसे कर सकता है उनको हम लोग कर रहा है। हम लोग जैसे कि आलो में जैसे आपका ये
वेटनरी ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम था, उसको भी हम लोग ने जाकर बात किया। सिपू ब्रिज नया ब्रिज बन रहा है तो उसके लिए भी हम लोग ने लैंड ऑफिस में जाकर बात किया। बहुत सारा हम लोग कर रहे हैं अंदर में। और ये जो काम करने का बात है कि इसमें देखिए, हम लोग का आंसू का नाम से कोई भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, और वैसे कि हाईवे में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और जैसे आपका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी हिसाब से, और जो भी यहाँ में मेरा आंसू मेंबर जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ टेंडर का कुछ काम कर रहा है और अपना बस्ती लेवल में कुछ काम कर रहा है, उसको वो तो इंडिविजुअल लेवल हो गया ना, उसको कैसे हम लोग रुका सकता है। और हर कोई वो तो करता ही है, इसलिए ये चीज़ को अननेसेसरी ऐसे आंसू को ब्लेम गेम करने के लिए कोशिश नहीं करना है। हम लोग यहाँ का जो भी काम किया है आज तक, और हिस्ट्री भी हम लोग को मालूम है कि हम लोग आज तक जो भी किया है सोशल इशू को लेकर काम किया है, और आलो का इशू को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के हम लोग काम किया है, और कॉमन पब्लिक के लिए जो कर सकता है वही करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। ओके, तो फाइनली अगर ये रास्ता अगर बारिश रेनी सीजन से पहले अगर नहीं बनता है तो आपका तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा? यही है, अभी आपका माध्यम से हम आपसे भी रिक्वेस्ट करता है कि कंपनी से हम लोग, आप लोग जैसे भी एक बार कवरेज कीजिए, और हम लोग को भी बहुत सारा बताया है लेकिन सुनने में आ रहा है कि अलग 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 तरीका से बता रहा है, तो इसलिए हम आपका माध्यम से देखना चाहता है। और हम लोग अभी जो फेब्रुअरी का बात हुआ था तो फिर कितना एक्सटेंशन होता है उसको फिर हम लोग देखेगा, फिर टेक्निकल में क्या प्रॉब्लम है ऐसे देखने के बाद अगर रियली ये कंपनी से भी अगर नहीं हो पा रहा है तो हम फिर से डिस्कशन करना शुरू करेंगे आगे फर्दर क्या करना है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम आज फिर से बहुत दिन बाद प्रोजेक्ट 9 को लेके ग्राउंड रिपोर्ट आलो के पब्लिक को दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे कि हमने आपको मिला था जनवरी का 19th 2022 का जनवरी 19th को जी, तो उसमें हमने एक मिस्टर सुब्रो कह के जो इस जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है उनसे मैंने बात किया था, और जो हाईवे के PWD के यही साहब है गमर पादू साहब से भी बात किया था और आपसे भी बात किया था। हाँ हाँ भी किए। तो सुब्रो का प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना यह था सिपू ब्रिज से लेके हिसम ब्रिज तक जो है फेब्रुअरी तक फिनिश कर देगा, रोड को पूरा कंप्लीट कारपेटिंग करके ब्लैक टॉपिंग करके फिनिश कर देगा, उनका ये कहना था। तो इस सवाल को लेके मैंने आपसे भी पूछा था, तो आपने भी कहा था जिस तरह से जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है फेब्रुअरी तक हो जाएगा। और गमर साहब भी कहा था, गमर साहब को भी हालांकि हमने टेलीफोनिक डिस्कशन किया है लेकिन वो शायद कुछ बिजी है तो यहाँ मीडिया में नहीं आ पा रहा है, तो गमर साहब भी कहा था कि फेब्रुअरी तक जिस तरह TTC काम कर रहा है दिन रात काम कर रहा है फेब्रुअरी तक हो जाएगा। तो लेकिन आज मार्च का 22 है लेकिन आज तक हमने अभी अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ सिपू से सिपू ब्रिज से लेकर हिसम ब्रिज तक जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखा है, यहाँ से ब्लैक टॉपिंग का कुछ नामो निशान नहीं है। तो सर इसमें आपका क्या कहना है? अभी ये बारिश का मौसम आने वाला है और ये मार्च का आज 22 है, अप्रैल के बाद बारिश आएंगे, तो हमें दुख इस बात की है आलो के सभी जनता का दुख यही है कि आलो सिपू ब्रिज से लेके हिसम तक ब्लैक टॉपिंग कब तक होगा? और सर सर मैं पहले सवाल कर लूँगा, और दूसरी सवाल सर, धूप होने से धूली से भरा हुआ है, कोई कोई सोशल मीडिया में ये कह रहा है ये यूक्रेन से कम नहीं है, इतना सारा धूली हो गया कि टू व्हीलर्स बाइक वाला स्कूटी वाला तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया, और गाड़ी वाला भी दिखाई नहीं दे रहा, टक्कर लगने को ऐसे हो रहा है। और बारिश एक कल परसों एक दिन बारिश गया है गिरा है, तो बारिश एक दिन का बारिश में भी सर पूरा शहर जो है पानी से भरा हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? हम बहुत कोशिश में तो लगे हुए हैं, हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके ये कार्य को कर दिया जाए अब तुम आलो शहर तक जी, इसके लिए हम लोग वचनबद्ध है। और ये बीच में फरवरी महीना में जो बारिश जो हो गया है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ जो कि उसका भी क्रेशर का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था, तो अभी जिमनी बस्ती में इन्होंने क्रेशर डाल दिया है जी। क्रेशर डालने से सबसे बड़ा स्टोन का यहाँ दिक्कत था जी, कारण कि ये इसमें जो हम लोग का जो है पहाड़ से निकला हुआ पत्थर को हम नहीं डाल सकते, कारण कि उसका AI भी बहुत कम आता है जी, जी। तो नदी से हमने रिवर से सारा इकट्ठा कर करके क्रेशर पर इकट्ठा कर लिया है। हम कोशिश में लगे हुए हैं कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम ब्लैक टॉप शुरू कर दें जो के पास। हाँ, इसलिए हम यहाँ के जनता से भी क्षमा प्रार्थी हैं जो मैंने कहा मैंने टाइम से पूरा नहीं कर पाया जी। सर जैसे कि पत्थर सही है, एक हाईवे बनने के लिए आप तो मोर्त का अथॉरिटी इंजीनियर है, आपको तो पूरा अनुभविक है, काफी एक्सपीरियंस है आप तो इस, वो तो शुरू से सर मालूम होना चाहिए कि क्रेशर तो चाहिए। हाँ, तो बिना क्रेशर का ये कंपनी वाला और आपने
कैसे एश्योरेंस दिया कि फरवरी तक बनेगा? नहीं सर, देखिए सर, और बारिश तो सर आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, बारिश एक दो दिन ही हुआ है फरवरी में, बारिश बारिश का कोई रोक टोक नहीं है। बारिश होने पर ये एक तो ये काम एसआरके वाले लिए थे जो आप भी जान रहे हैं। नहीं सर, सर सर ये यहाँ तक तो सब मालूम है, एसआरके से एचटीसी, एचटीसी से अभी टीटीसी, सर ये कहानी हम सिर्फ नहीं है आलोक से भी जनता जो है मालूम है। आपको मालूम होगा शुरू से आज के कितना अंतर है आपको दिखाई दे, उसको तो मानते हैं। रास्ता जो है बन रहा है, रास्ता तो हम मैं भी देख रहा हूँ, दरका से लेके निगमोई तक भी लगातार चल रहा है, और यहाँ दरका से निगमोई का जो बाईपास है वो भी बन चुका है, जी, जी। और नीचे में जो है जीएसबी जो बिछाया है वो भी अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन पब्लिक का सर दर्द ये है सिपू ब्रिज से लेके हिसम ब्रिज तक फरवरी तक क्यों नहीं बन पाया? आप सर देखिए, यहाँ तक तो WM एक लेयर और पत्थर का होता है, GSB होता है, उसके बाद 250 mm का WM डाला जाता है, जो कि आप देखेंगे मिलिट्री कैंटीन जो है वहाँ तक उसने डाल दी, माने ड्यू टू पत्थर के चलते इनको दिक्कत हो रही थी जी। लेकिन अब जो है एक क्रेशर इनका TTC का 8 में चल रहा था, पहले तो प्रायोरिटी वो देंगे, इसमें तो सब लेट लिए हैं ना, देर से लिए हैं, लेकिन देर से लेने के बावजूद भी इन्होंने जितना फास्ट काम किया है, शायद हमको नहीं लगता था कि हम लोग तो ये असुविधा मैंने यही छोड़ दिए थे कि ये बनेगा ही नहीं पैकेज 9 जी जी, पहले में जी जी, आगे में हम लोग तो खुद से चाह रहे थे कि इसको टर्मिनेट कर दे, फिर से टेंडर हो, नया हो, लेकिन बीच में TTC भगवान हनुमान बन के आया और काम शुरू। नहीं सर वो ठीक है, लेकिन फरवरी तक क्यों नहीं बन पाया, वही सवाल है, मेन है ये कि मेरा सवाल नहीं है, पूरा आलोवासी का सवाल है। नहीं बनने का मेन कारण हो गया, एक तो इनको पत्थर का अभाव था, समझे ना, तो अब पत्थर जिनका कंप्लीट हो गया, एक उस पैकेज के लिए तो इन्होंने सारा बेस मैंने एस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन ये नया मिलने पर फिर से सारा मैन मशीनरी खरीदने में तो टाइम तो थोड़ा लगता है ना। नहीं टाइम तो सर आगे से लगता है और तो, लेकिन आप लोग तो एश्योरेंस दे ना पब्लिक को, आप लोग गुमराह कर रही है। नहीं नहीं, पब्लिक को गुमराह करके हमको क्या, तारीख पे तारीख जैसे वो वाला डायलॉग। जी ऐसा बात नहीं है, आप अभी सर आप फरवरी को बोल रहे हैं, फिर फरवरी का बाद फिर आप बोलेगा बात का बात, आप नहीं कंपनी वाला बोलेगा या आप बोलेगा, क्योंकि कंपनी वाला तो एक एजेंसी है, आप तो अथॉरिटी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मेन आप है मिनिस्ट्री ऑफ ग्रोथ। लोग हम लीक पढ़ के इन लोगों को तो नहीं सारी, मेरा ये सब ये मेरा ये कहना है, अगर अप्रैल में फिर बारिश आ जाएगा तो फिर आप बोलेगा बारिश का वजह से ये रास्ता नहीं बन रहे, तो आपका इसीलिए हम बोल रहे हैं आप तारीख पे तारीख कब तक आलोवासी इस तरह का धूल मिट्टी में धूल मिट्टी को नहीं खाने देंगे? जितना दिन खाना था आलोवासी खा लिए, विश्वास करें, समझे ना, मैंने ब्लैक टॉप आपको अप्रैल में हो जाएगा। अब तो देखिए फरवरी कहा था, मार्च में भी अभी नहीं बोल रहे हैं, आप अप्रैल बोल रहे हैं। हाँ, तो सर हम आज सुबह सुबह से मैं लगातार विजिट कर रहा हूँ, सिपू ब्रिज से हिसाम ब्रिज तक एक लेबर भी नहीं है, वो आगे लगा हुआ है, कोई भी नहीं है ना, आगे आपका कैंप से आगे जो जीमी बस्ती से पीछे जो है ना, वहाँ भी तो थोड़ा रोड कीचड़मय हो गया था, उसमें GSB का काम चल रहा है। तो आपका फाइनली आपका पब्लिक से आपका क्या कहना है? पब्लिक से कहना है कि पब्लिक पब्लिक से हम रिक्वेस्ट यही कहेंगे, इतना दिन धैर्य रखे, तो एक महीना का टाइम और दे, अगर नहीं करता है तो हम इनको टर्मिनेट करने का मैंने प्रक्रिया शुरू कर। उसमें सर अगर बारिश आ जाएगा तो? बारिश में अगर दो दिन चार दिन भी अगर बीच में मिलता है उसमें हमने काम देखिए सर, अरुणाचल में आपको तो कहना का कोई जरूरी नहीं, अरुणाचल में वर्किंग सीजन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, उस कम सीजन में दिन रात काम करना है। जी जी सही है ना, जो कि आपने भी और TTC वालों ने भी वादा किया थे और PWD के AE भी वादा किए थे, जी जी, लेकिन वो वादा जो है अब फुलफिल नहीं हो रहा है, मेरा यही कहना है। बस तो कोशिश कर, मैंने ये इतना दिन अभी अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तो पूरा बारिश होगा, बारिश रहेगा ये आपका, तो हमको और एक साल रुकना पड़ेगा क्या? जी नहीं हम रुकने का भी ये नहीं कहेंगे, आप लोगों को ब्लैक टॉप हम इस बरसात से पहले दे देंगे पक्का पक्का। अगर उसमें आप ये नहीं कहना है कि कंपनी वाला ये नहीं कि वो नहीं, जी ना वो नहीं कहेंगे जी, वो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, समझे ना, तो और एक महीना हम लोग झेलना पड़ेगा थोड़ा, एक लेयर और आप एक लेयर और पत्थर देना है, तो पत्थर का तो W जैसे GSB हो गया है, अब 250 mm का WMM करेंगे, उसके बाद है ना उस पर ब्लैक टॉप करेंगे, वो सर तो प्रोसीजर है ना। हाँ, वो तो प्रोसीजर है, पक्का प्रोसीजर है एकदम, तो वो बात आपको जनवरी को मालूम नहीं था क्या? मेरा सवाल ये है, जनवरी का मालूम, जनवरी में आपने मीडिया में कहा है फरवरी तक बनेगा, तो उसका मतलब ये है कि आपने सबने मिल के आलोक पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए कॉन्ट्रैक्टर को आप कितना क्या कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर को तो दिन रात हम लोग चढ़ल ही हैं, ये करो वो करो, आलोक पब्लिक के सामने हम लोग कह नहीं सकते कि हम हाईवे वाले हैं,
ये भी बात सुन लीजिए, शर्म से हम लोग कहते नहीं है कि हम हाईवे वाले हैं जी। आप तो सर उठा के चलना चाहिए, नहीं या तो सर झुका के चल रहे हैं। हम सर झुका के चल रहे हैं, का है मैंने ड्यू टू आपका पावर को आप कब अप्लाई करेगा, अप्रैल के बाद? हाँ हाँ, आपके पास बहुत पावर है, गवर्नमेंट तो इंडिया का आप आदमी है, गवर्नमेंट तो इंडिया स्टेट का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड आपके पास तो बहुत ताकत है। नहीं तो अभी आप शुरू लिखा चिट्ठी वगैरह सब देना शुरू कर दिए इनको, अब लिखित में देना पड़ेगा। हाँ एकदम दे देंगे, आप इतना उम्मीद रखिए, जब इतना दिन कष्ट झेला लो तो एक बात तो, और अंतिम बात मेरी मैंने जनता से यहाँ के पब्लिक से हमारा आग्रह है कि कम से कम एक बार हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक मोपिंग तक हो जाए। हाँ हाँ, मोपिंग में कोशिश एकदम 100% है, मोपिंग में जो भी सर, मोपिंग सर 5th अप्रैल से आरंभ होता है। हाँ हाँ, फिफ्थ सिक्स आप मोपिंग, आपने कहा था न्यू ईयर गिफ्ट, अभी न्यू ईयर तो ओल्ड ईयर हो गया जी। मोपिंग में यहाँ के जनता को हम कोशिश करेंगे कि धूल में नहीं, कोशिश से सर नहीं होगा, आपको वर्क देना पड़ेगा। हाँ सर, बस हम मैंने जनता से मैंने ये कर रहे हैं कि मोपिंग में धूल खाने नहीं देंगे। थैंक यू, थैंक यू, हम उम्मीद करता है, एकदम उम्मीद रखिए। मैंने कहा था जनवरी में, फरवरी को फिर मिलेगा, मार्च को मिल रहा है, ऐसे दोबारा फिर मिलने का मौका नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे आपको, बस आपको मौका नहीं। सर आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज में स्वागत करता हूँ। सर आपसे सीधा सा सवाल है, सबसे पहले थैंक यू, आप मेरा एक कॉल में यहाँ खुद आ गया, नहीं तो हमको धोखे जाना था, हम तो रेडी कर लिया था धोखे आपको जाके मिलने के बाद था। आप TTC का प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जी, तो आपका स्टाफ लोग आप भी शुरू से डे वन से आपने प्रॉमिस किया है कि ये पैकेज 9 को लेके सिपू ब्रिज टू हिसाम ब्रिज मतलब टाउन का पोर्शन को जो है विद इन फेब्रुवरी तक आपने ख़त्म करेगा, आपने ऐसे एश्योरेंस दिया है, मैं हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी है। लेकिन फेब्रुवरी ख़त्म हो गया, आज मार्च का 22 है, मार्च भी ख़त्म होने को है, तो आप काइंडली व्यूअर्स को ये बताइएगा अब तक ये ब्लैक टॉपिंग आरंभ क्यों नहीं हुए? ब्लैक टॉपिंग के लिए देखिए एक्चुअली फैक्टर्स क्या है, जैसे जनवरी में हम लोग तो प्रॉमिस किए थे कि फरवरी में करेंगे, लेकिन जनवरी में आपने 15 डेज आप रिकॉर्ड देखिए, 15 डेज बारिश हुआ है और फरवरी में 12 दिन बारिश हुआ है, तो उसका इफेक्ट कई दिन बाद तक रहता है, एक दिन बारिश उसका 3 दिन बाद तक इफेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जैसे हम लोग बारिश कम हुआ है तो फिर हम लोगों ने काम चालू किया हिसाम ब्रिज, तो हिसाम ब्रिज से हमने टूवर्ड्स अपने आर्मी कैंप से हम जा ही रहे हैं काम करने के लिए, है ना। तो हम लोग लगे हुए हैं और बाय द एंड ऑफ अप्रैल हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो एक तो फैक्टर्स हैं अपना, बारिश का भी फैक्टर्स अब कंसिडर करना ही पड़ेगा इसको। तो नहीं सर, बारिश तो ठीक है, बारिश तो हर साल आता ही है जी। मैंने जनवरी में भी आपको कहा था, आपसे भी बात किया था और सुब्रो साहब से भी, मिस्टर सुब्रो से भी हम बात मैंने बात किया था, तो बारिश का फैक्टर ठीक है बारिश, लेकिन इतना ये साल तो इतना बारिश नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, सीधा सा कहूँगा, ये आपका ये जो है बारिश का वजह से डिले, इस बात में तो सहमत नहीं है। सहमत होना क्योंकि 15 दिन एक्सपेक्ट कीजिए, लास्ट मतलब लास्ट 5 ईयर्स का हिस्ट्री उठा के देखिए, जनवरी में कितने दिन बारिश हुआ, इस बार कितने बारिश हुआ है, इस बार जनवरी 15 डेज बारिश हुआ है, फरवरी में 12 दिन बारिश हुआ है, टोटल 27 डेज तो ऐसे निकल गया है। नहीं, आपका कहने का मतलब है बारिश की वजह से हम लोग डिले हुए हैं, बारिश की वजह से डिले हुए हैं और अभी हमने स्पीडअप पकड़ लिया है, हिसाम ब्रिज से टूवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं अपने ये ब्रिज सेपू ब्रिज, सेपू ब्रिज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मतलब क्या जा रहे हैं? हम लोग काम करते हुए जा रहे हैं, जैसे WM ने बिछाया है, WM ने कर दिया है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वी हैव डन WM फ्रॉम द हिसाम ब्रिज से टूवर्ड्स अपने आर्मी की तरफ हमने कर लिया है, ठीक है। और जैसे ही अपने बारिश कम हुआ है हम लोग अपने प्रोसेस में लग गए हैं और बाय द एंड ऑफ अप्रैल आई होप कि हम लोग अपने जो है उस पर खड़े उतर जाएंगे। अप्रैल तक हम लोग हो जाएंगे। अब देखा होगा मास्टर, हमने मार्केट में अपना स्ट्रक्चर भी चालू कर दिया, आपने देखा सर, ठीक है सर सर, लेकिन फरवरी मार्च के बाद तो अप्रैल तो फिर बारिश का मौसम हो जाता है। नहीं अप्रैल में तो नहीं, हमने देखा है ना, आप लोग तो ये देख रहे हैं, लेकिन अप्रैल में हम लोग करेंगे। और दूसरी बात, बारिश होने से भी करेंगे, बारिश होने की बात नहीं है, अप्रैल में हम लोग कम्प्लीट करेंगे। हम लोग आज हम आपसे पहले आपको मिलने से पहले मैं मोर्त की अथॉरिटी जो इंजीनियर है जी उससे मिल के आया है, कमलेश सर से मिल के आए हैं। कमलेश सर का कहना है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक तक कोशिश करेगा। नहीं कोशिश देखिए, उसमें कई प्रोसेस है ना, अब WM है, GSB हो गया, GSB हमने किया है, GSB के बाद डायरेक्टली DBM के आप लोग, डायरेक्टली DBM तो हम नहीं कर सकते हैं ना, GSB हुआ, एक्सकर्वेशन हुआ, GSB हुआ, लेयर बाई लेयर प्रोसेस है ना, तो वो प्रोसेस भी कंसिडर करता है। वो GSB हो गया, GSB फिर हम लोग WM कर रहे हैं, अभी WM का नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा आपका DBM प्रोसेस आएगा। नहीं नहीं ठीक है सर, प्रोसेस तो आपको दे, आपको अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप ये कंपनी तो काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है, आपको तो डे वन से पता था प्रोसीड्यूर, इस तरह का प्रोसीड्यूर
स्टेप बाई स्टेप चलना है। लेकिन पब्लिक का ये कहना है, सर ये आप गलत मत सोचिए, ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरा आलो जनता का सवाल है। पब्लिक आलो का पूरा जनता जानना चाहता है कि अतिथि से आलो को गुमराह कर रही है, आलो था उनको तारीख पे तारीख दे के। गुमराह वाले कोई बात ही नहीं है, गुमराह क्यों करें, गुमराह की बात है क्योंकि आलो का आदमी परेशान हो गया है। पिछले कितना साल से ये तीखे तीखे वाला से तीखे से फिर से HTC से, अब HTC जाने का बाद जब TTC आया है थोड़ा सा उम्मीद की किरण जग गए थे। लेकिन आप भी इस तरह अगर डिले कर रहे हैं, इसमें आपको क्या कहना? नहीं, डिले के उम्मीद अगर किरण है तो उस किरण को हम लोग बरकरार रखें, उम्मीद की किरण को बरकरार रखेंगे। आपने सबको समय दिया, थोड़ा हमको भी टाइम दीजिए। अप्रैल तक हमने आपसे टाइम मांगा है, एक हमको अप्रैल तक समय दीजिए, हम लोग अप्रैल तक कर देंगे इसको। तो सर फाइनली आप तो न्यू ईयर गिफ्ट देने का बात था, अभी न्यू ईयर से ओल्ड ईयर आ गया है, तो अप्रैल में आपका अगर नहीं बनता है तो आपका क्या होगा सर? नहीं बनेगा ऐसा सवाल ही नहीं है, डिले है कुछ अपना जो प्राकृतिक जैसे बारिश की वजह से हम डिले हुआ, इस बात को मानते हैं, इस बात को बारिश की वजह से हम डिले हुए हैं, ये हुआ है इस बात। नहीं सर, तो ये आपको आप फिर से दोहरा रहा हूँ, आप तो एक काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये अरुणाचल में तो बारिश का मौसम ज़्यादा होता है क्योंकि वर्किंग सीजन बहुत कम होता है। अभी वर्किंग सीजन जाने को है तो अभी दिन रात काम करने का समय है, तो अब अप्रैल के बाद आप देख लीजिए बारिश लगातार बारिश आएगा जी। तो क्या आलो वाला फिर से और एक साल बारिश सीजन फिर 15 दिन तक रोकना पड़ेगा क्या आलो टाउन, एटलीस्ट आलो टाउन पोर्शन के लिए? नहीं, ऐसा शोर में करता हूँ, आलो 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 वासियों को ठंडा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, यहाँ जैसे आपका PRO साहब के एक मिनट में कहना था, दिन रात की बात है, आप देखे होंगे हमारी मशीन जो दिन रात काम कर रही है, हम लोग दिन रात ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप चालू कीजिए पैकेज 9 का जो स्टार्टिंग है वहाँ से देखती है, बाईपास हमने खोल दिया, जो बाईपास करते हुए आगे हमने जीनी बस्ती के आगे तक हमने काम कर दिया। आप देख रहे हैं कि दिन रात हमारी पब्लिक काम कर ही रही है। आपका एक वादा आपने पूरा किया है, दरका तुंजिंग मोई बाईपास को भी फिरोड़े तक बनने का था, उसको वो बन गया है, उसके लिए हम आलोवासी थैंक्स देता है आपको, आपका कंपनी को। लेकिन मेन जो है टाउन पोर्शन के लिए ये आखिरी सवाल ये रहेगा सर, जैसे मैं कह रहा है आपका PRO साहब को भी पता है, यहाँ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी चर्चा हो रहा है, धूल मिट्टी से पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ टू व्हीलर्स के लिए तो मुश्किल ही नहीं है, पूरा नामुमकिन सा हो गया दिन को बाइक चलाना, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया स्कूल बच्चों के लिए भी, और ये गाड़ी के लिए भी जो बड़ी गाड़ी है उनके लिए भी दिक्कत सा हो गया, क्योंकि कभी कभी इतना धूल हो जाता है कि आप कौन सा गाड़ी आ रहे हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह का तकलीफ कब तक झेलना पड़ेगा? आप तो कह रहे हैं अप्रैल तक जी, तो इसके लिए तकलीफ हम तो वाटर स्प्रिंकल, हम रेगुलर इंटरवल पर वाटर स्प्रिंकल कर ही रहे हैं मार्केट एरिया में, है ना, हम तो डेली 3-3 टैंकर मार्केट इस पर वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, हम लोग जितने बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है उतना तो हम कर ही रहे हैं, तो डस्ट को मारने की भी हम लोग उपाय कर रहे हैं वाटर टैंकर लगा के। तो अप्रैल तक बाय तक हमको सबको आपने टाइम दिया है, मेरा आपसे गुजारिश है कि हमको अप्रैल तक टाइम दीजिए। नहीं मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं आपको समय देने आप वाला, लोगों से जी जी है ना, आप लोगों से मतलब आलू वासियों से कहने का मतलब है ना, हम लोग अप्रैल तक अपने कर देंगे, मतलब काफ़ी हद तक इसका जो सिचुएशन जो है आपका एक नॉर्मल मोड से। सर देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज मार्च का 22 है जी, अप्रैल तक मतलब एक महीना आधा, अप्रैल आप आज टुडे इज 22nd मार्च, तो आप समय मांग रहे हैं अप्रैल का लास्ट तक जी, तो तब तक बन जाएगा जी। श्योर जी, ब्लैक टॉपिंग हम लोग करते हैं। आलूवासियों को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि उन लोगों ने इतने दिन सब्र किया है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जिस सबको टाइम दिया है, एक थोड़ा एक डेढ़ महीना हम लोग और मांग रहे हैं, हमें भी टाइम दीजिए, और अप्रैल तक हम लोग आपको जो है उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। ठीक है पकम सर, आपसे भी एक सवाल रहेगा, सेम सवाल है, वही सवाल है, आपने भी वादा किया है, सभी ने वादा किया है, आपका पूरा कंपनी ने वादा किया है, सिपू ब्रिज टू हिसाम ब्रिज फेब्रुअरी महीना तक ब्लैक टॉपिंग पूरा कंप्लीट होगा टाउन पोर्शन, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें एक रुकावट इस बात पे मैं लूँगा, बारिश का वजह से कुछ एक हफ्ता दो हफ्ता का ये हुआ था फेब्रुअरी पे,
मार्च ये में जनवरी में भी हुआ था एक हफ्ता का बारिश, उस वजह से थोड़ा रुकावट हुआ। तो बारिश तो सर हर महीना हर साल होता ही है, लेकिन आप लोग तो वादा किया था और हम लोग को एक एक आशा आलो आलो वासी के लिए एक खुशी का एक न्यूज दिया था, लेकिन वो बारिश इसलिए कि मेरा वो बारिश का वजह से बाईपास जल्दी नहीं बन पाया। जल्दी बन पाता था तो मेरा जितना कंक्रीट आता रहा और वो जो WWM जो आता है हम लोग वहाँ से लाता था, धोखे से ला के आलों को बिछाने का चक्कर में था, तो वो बारिश का वजह से मेरा बाईपास जल्दी नहीं बन पाया। धरका और ये निगमोई वाला बाईपास नहीं बन पाने का वजह से हम लोग का थोड़ा वो हाथ डिले हुआ। तो कब तक बनेगा सर? अब कंपनी हम लोग टारगेट ले रहा है अभी ये अप्रैल फर्स्ट वीक तक नहीं होगा, फर्स्ट वीक तक नहीं कर पाएंगे। तो सर आलो का पब्लिक तो पूरा परेशान है, धूल मिट्टी से परेशान है, इस धूल मिट्टी को कब तक? उनके लिए अभी दो टैंकर अभी मेरे चल रहा है, हम लोग का आलो टाउन को चार बार अभी दे रहा हूँ, सुबह दिन को दोपहर और शाम समय को, हर दिन ऐसे दे रहे हैं। लेकिन सर लोकल व्हाट्सएप में तो बहुत सारा फोटोज धूल मिट्टी का फोटोज हमेशा अपलोड हो रहे हैं। वो गाड़ी भी ऐसे है कि किनार किनार जहाँ पानी बरसा रहा है वहाँ तो वहाँ नहीं चलता है, बाहर चल देता है तो दूरी तो हो गए। ओके, जहाँ पानी नहीं आता है वहाँ में वो लोग चल देते हैं। ठीक है सर, आप लोग का कंपनी, आप यहाँ का लोकल है इसलिए आपसे ही मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ का ही लोकल है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग तारीख पे तारीख दे रहे हैं, एक सनी देओल का डायलॉग था तारीख पे तारीख, इस तरह आपका कंपनी TTC, क्योंकि सर देखिए आलो वासी जो है TTC कंपनी से काफ़ी उम्मीदें हैं अभी भी, लेकिन आपने फेब्रुअरी को बनने का बात किया है लेकिन अब तक नहीं बना है, तो उस उम्मीद के कारण जो है काफ़ी निराश भी हो गया, काफ़ी दुख हो रहा है। हाँ। तो इसमें आपका क्या कहना है? निराश तो होगा, हमको भी खुद को भी निराश हूँ, जल्दी नहीं बन पाया। मैं भी चाहता था कि जल्दी इस हाईवे पे चलूँ आलो टाउन में। तो अभी और एक यहाँ पे ये है कि आपका देखिए SIV जहाँ में हम लोग को रिटेनिंग वॉल चाहिए, और वेटनरी जहाँ में वेटनरी ये है कंपाउंड है वहाँ भी रिटेनिंग वॉल चाहिए, उसका लैंड एक्वेशन जितना हम DC को सबमिट करके रखा है अभी तक उन लोग वेरिफिकेशन नहीं कर दिया, अभी तक ये क्लियर नहीं करने का वजह से वो रिटेनिंग वॉल भी नहीं बनने का वजह से ज़्यादातर हम लोग का भी रुकावट आ रहा है। अगर वो क्लियर होता तब हम लोग अभी उठा के वो सब ड्रेन व्रेन भी बना देता, अभी वो सब उसका वजह से भी है। ओके, इस रुकावट। तो सर DC का क्या कहना है इसमें? DC का वो उसका कहना है कि हम लोग का लैंड ये का DLRS को उनका उनको मिलके वो एक वेरिफिकेशन करने का बात था तो अब तक नहीं हुआ। ओके, तो सर आखिर में दो लाइन आलो पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेगा, स्पेशली आलो टाउन रोड को लेके? टाउन को रोड को लेके मैं ये कहना चाहूँगा आलो वासियों को, थोड़ा और समय थोड़ा सब्र कीजिए, आपका रास्ता आ रहा है आएंगे, और ऐसा कभी दिल में ना सोचे कि ये TTC वालों भी एक उम्मीद दे के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे भी बनेंगे थोड़ा और दिन रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए।